प्रिय विद्यार्थियों, आरसीआई एजुकेशन अब बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आप सभी विद्यार्थी इस ऑनलाइन के माध्यम से आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको सुचारू क्रमबद्ध रूप से करते रहें, जिससे आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। समस्या जब आती है, जब हम इसको क्रमबद्ध रूप से सुचारू रूप से नहीं पढ़ें, तो हमारे पास समस्याएं आती हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो रहेगा अव्यय शब्द। नाम से ही विदित होता है, नाम से ही पता पड़ता है, ए यानी नहीं, व्यय यानी खर्च होना। जिसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो, चाहे वो किसी भी लिंग में हो, चाहे वो किसी भी वचन में हो, किसी भी विभक्ति में हो, आठों विभक्तियों और तीनों वचनों में जिस शब्द का रूप परिवर्तन नहीं होता है, वो ज्यों का त्यों रहता है, उसको कहते हैं अव्यय शब्द। अव्यय शब्द, अव्यय अव्यय शब्द का अर्थ है जो खर्च या परिवर्तन न हो। प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पर खर्च और परिवर्तन का मतलब क्या हुआ कि जिस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हो, चाहे किसी भी लिंग में लिखा जाए, किसी भी वचन में लिखा जाए, किसी भी विभक्ति में लिखा जाए, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, जिसमें कोई बदलाव नहीं हो, जो खर्च या परिवर्तन नहीं हो, उसे कहते अव्यय। इसकी परिभाषा है, परिभाषा देखो आप, परिभाषा किस तरह लिखी हुई है कि एषां शब्दानां सप्तसु विभक्तिषु त्रिषु लिंगेषु त्रिषु वचनेषु च रूपं समानं भवति। ते शब्दः कथ्यन्ते। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस बात को समझे कि अव्यय शब्द का अर्थ आपको उपयुक्त बता दिया गया है कि जो खर्च या परिवर्तन नहीं हो, जो शब्द खर्च या परिवर्तन नहीं हो। एषां शब्दानां, जिन शब्दों का सातों विभक्तियों में, तीनों लिंगों में और तीनों वचनों में और रूप समान होता है, वे अव्यय शब्द कहलाते हैं। अव्यय शब्द कथ्यन्ते, इसका अर्थ भी लिखवा देते हैं आपको। अर्थ है, जिन शब्दों का सातों विभक्तियों में, तीनों
लिंगों में तथा तीनों वचनों में रूप समान रहता है। जिन शब्दों का सातों विभक्तियों में कोमा, तीनों लिंगों में तथा तीनों वचनों में रूप समान रहता है, वे अव्यय शब्द कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? अव्यय शब्द। प्रिय विद्यार्थी, फिर से देख लो आप कि अव्यय, अव्यय शब्द का अर्थ है जो खर्च या परिवर्तन नहीं हो। एषाम शब्दानाम शब्दसु विभक्तिषु त्रिषु लिंगेषु त्रिषु वचनेषु च रूपम समानम भवति ते अव्यय शब्दा कथ्यन्ते। वे अव्यय शब्द कहलाते हैं जिन शब्दों का सातों विभक्तियों में, तीनों लिंगों में तथा तीनों वचनों में रूप समान रहता है, वे क्या कहलाते हैं? अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे अपने पास है, जैसे आपको बताया जाएगा अव्यय शब्द कौन कौन से हैं, किस तरह के हैं, उनका वाक्य में प्रयोग किस तरह किया जा रहा है, वो आप देखेंगे। मुख्य अव्यय शब्द मुख्य अव्यय शब्द अव्यय शब्द हिंदी अर्थ वाक्य में प्रयोग। प्रयोग जैसे अपने अव्यय शब्द है अत्र। अत्र का अर्थ है यहां। अत्र का अर्थ है यहां। तत्र, तत्र का अर्थ है वहां। सर्वत्र, सभी जगह है। सर्वत्र सभी जगह। कुत्र कहाँ। तत् अपि भी। इव तरह है या समान। प्रातः सुबह। कथ स्वय आने वाला कल। आने वाला कल है बीता हुआ कल। अध्याय आज, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। जैसे अत्र है, अत्र का वाक्य में प्रयोग करते हैं सर्वे बालकाः अत्र क्रीडन्ति। पहले मैं आपको, प्रिय विद्यार्थियों, पहले आपको बीच में एक बात बता दूं कि युष्मद् और अस्मद् सर्वनामों को छोड़ करके शेष सभी सर्वनाम शब्द प्रथम पुरुष अर्थात प्रथम पुरुष के कर्ता के रूप में गिने जाएंगे, प्रथम पुरुष के रूप में गिने जाएंगे। अतः यहाँ पर जो है सर्वे यानी सभी बालक यानी बालक
अत्र माने यहाँ, अत्र यानी यहाँ, क्रीडंती माने खेल रहे हैं। अगर प्रिय विद्यार्थियों अगर बालका की जगह बालक होगा, जैसे आयम बालका अत्र क्रीडती, यह बालक यहाँ खेल रहे थे, यही क्वेश्चन में है, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसका अर्थ वही रहेगा, एक के लिए भी, दो के लिए भी, बहुत के लिए भी। इसी प्रकार से वहाँ जैसे अपन बढ़ा दिए सर्वे अश्वाहा तत्र धावंती, सभी घोड़े वहाँ दौड़ रहे हैं। इसी प्रकार से सर्वत्र है, सर्वत्र का हो जाएगा, सर्वत्र के जो है वो हो जाएगा वायुः, सर्वत्र अस्ति, वायु सभी जगह है, वायु हर जगह है। जैसे कुत्र है, कुत्र माने कहाँ, ये प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के काम आता है अव्यय। जैसे कुत्र का अपन बनाएं कि मम पुस्तकम कुत्र अस्ति, ये बन गया, मेरी पुस्तक कहाँ है, हैं, तो यहाँ पर कुत्र आया कहाँ, प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के काम आता है। अपि यानी भी, जैसे भी का बनाएगा अहम अपि भोजनम खादिष्यामि, मैं भी भोजन खाऊंगा, मैं भी भोजन खाऊंगी। तो यहाँ पर अपि जो शब्द है, अपि का जो प्रयोग है वो ये नहीं है कि उसको अपन उल्टा कर दें, यहाँ पर यही रहेगा भी। जैसे इव, इव मानी तरह, इव का जो प्रयोग है, जैसे कपिल मोहन इव गायती, कपिल मोहन इव गायती, कपिल मोहन के समान गाता है, सुबह अहम प्रातः काले धावामी, मैं सुबह के समय में दौड़ता हूँ, स्व अहम स्व विद्यालय गमिष्यामि, अहम स्व विद्यालय अगच्छम, अध्य मानी आज, जैसे अध्य यानी आज, अध्य अध्य बुधवासर अस्ति, आज आज बुधवार है, तो यहाँ पर अध्य का प्रयोग हुआ। ऐसे ही आगे, जैसे आगे आपको बताया जाए, थोड़ा सा और बता दूँ, देख लें, ध्यान दे लें, जैसे किम है, किम का अर्थ है क्या, ये भी प्रश्नवाचक वाक्य के काम ही आता है, त्वम किम पढ़सी, त्वम किम पढ़सी, तुम क्या पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर किम आया, किम जो शब्द है ये प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के काम आता है, प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में लिखा जाता है किम, क्या। जैसे अपने पास है सर्वदा, सर्वदा यानी हमेशा, सर्वदा यानी हमेशा, इसमें रहेगा अहम सर्वदा पुस्तकम पठामि, या अहम सर्वदा रामायणम पठामि, या अहम सर्वदा भागवत गीताम पठामि। इस प्रकार से जो सर्वदा यानी हमेशा, हमेशा के जो हमेशा के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो सर्वदा के रूप में होता है। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों आप समझ गए होंगे कि आज का जो अव्यय शब्द का जो प्रयोग किया गया, अव्यय शब्द जो हम समझे, अव्यय का अर्थ होता है कि जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, जो कभी खर्च नहीं हो, अव्यय हमेशा एक समान रहते हैं, चाहे वो किसी भी लिंग में हो, चाहे किसी भी वचन में हो, चाहे किसी भी विभक्ति में हो, वो हमेशा उनका रूप जो का त्यों रहता है, उनका अर्थ वो ही रहता है। प्रिय विद्यार्थियों आज का वीडियो इतना ही रहेगा, अगला टॉपिक आपको आगे बताया जाएगा। धन्यवाद।